as we were discussing about the immunology, so we were discussing about a lot of classification. So yesterday we had written a lot of disease names. Okay. So now, as promised, today I will rain Nobel prizes, and आप देखोगे कि उसमें ही आधा immune system खत्म हो जाता है. तो जनरली मैं डिसाइड करता हूँ कि एक नोबेल प्राइज पर क्लास दू, बट आज आपको अनेक नोबेल प्राइजेस मिल देने वाला हूं मैं. ठीक है जी. चलिए, सो वी विल राइट नोबेल प्राइजेस इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी in the field of microbiology, immunology, है कि नहीं? तो इस field के जो अलग अलग Nobel prizes हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो एंड लकीली सर, हाँ बोलो सर, हम तो टाइप्स ऑफ डिजीजेस पढ़ रहे थे, हेलमिंट्स. तो क्या हुआ, आपसे क्या हुआ? वो तो हो गया ना खत्म. चलिए, आज हम सिर्फ नोबेल प्राइज पढ़ेंगे एंड उसी में सब कवर हो जाता है ना, बिकॉज वो अपने आप सारा कुछ बता देगा. Because you should know these things and क्योंकि यही सब invention discoveries में आ जाएगा. So in this article we are looking back and seeing microbiologists who have won a Nobel Prize. Some of the people who have won Nobel Prize in the field of microbiome may not be microbiologists but may be physicians, biochemists who have contributed in this field. Okay? माने वो आपके लिए microbiologists नहीं हैं. The following list that I have been awarded gives outlines the progress of microbiology. समझ रहे हो गधे? तो ये जो है ये आपको sequence भी बता देगा कि किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या discover हुआ, etc. Now the first Nobel Prize 1901 started with this field only. So Emil von Behring, he developed serum treatment, okay, especially in diphtheria. देख रहे हो? Dr. Ronald Ross. Okay, so he discovered for parasites. हम कल डिस्कस कर चुके थे. रॉबर्ट कॉक फॉर योर पॉक्स पोस्टुलेट. अगेन आ जाइए मलेरिया, चार्ल्स लेवरैन. देख रहे हो? चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवरैन शोड दैट मस्किटो इज द एजेंट ऑफ ट्रांसमिशन फॉर मलेरिया एंड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट. सो अगेन देखिए, आपका मलेरिया के लिए ये सेकेंड नोबेल प्राइज. ठीक है. इलिया इलिच मेचनिकॉव, या उसको हम लोग एली मेचनिकॉव कहते हैं, इज द फादर ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी. पॉल अर्लिक, ओके, स्टडीड इम्यून रिएक्शन एंड फैगोसाइटिक सेल्स. तापरे 1912 एलेक्स कैरल developed organ and blood vessel transplantation. देखिए कितना जल्दी ये concept start हो चुका था. तापरे 1912 Alex Carrel का activity आ गया. Now उसके बाद बहुत मतलब lot of people are there behind this. Now उसके बाद will write the work of Richet. Okay, so Charles Robert Richet discovered the treat of anaphylactic shock. What is anaphylactic shock? बोलिए, allergy. Okay, so allergy को anaphylaxis भी बोला जाता है. तापर Jules Bordet made fundamental discoveries in immunity. तापरे जूलियस वैगनर, ओके, योबर्ग यूज्ड मलेरिया टू ट्रीट लेट स्टेज सिफिलिस.
देख रहे हो, जो मलेरियो थेरेपी है उससे सिफिलिस को ट्रीट करने का उन्होंने फॉर्मूला निकाला। तापरे चार्ल्स निकोल मेड फंडामेंटल डिस्कवरीज ऑफ एपिडेमिक टाइफस एंड ही सेड दैट इट इज ट्रांसमिटेड बाय लाइस। तापरे पर ऐसे कार्ल लैंडस्टाइनर फॉर ब्लड ग्रुप, आपको पता ही है ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। तापरे ओके सो ये आपका ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स के लिए उनको दिया गया। उसके बाद आ गए इसे माइक्रोबायोलॉजी भी है, ठीक है। येरहार्ड डोमाक डिस्कवर्ड सल्फर ड्रग्स, ये आपका जो यूज होता है एंटीबैक्टीरियल। तापर 1945 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ओके कॉमा ईबी चेन लॉर्ड एंड हार्वर्ड फ्लोरी डिस्कवर्ड एंड डेवलप्ड पेनिसिलिन, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन का डिस्कवरी हो गया। तब मैक्स थाइलर डेवलप्ड वैक्सीन फॉर येलो फीवर। उसके बाद 52 में वॉक्समैन डिस्कवर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन, द फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग अगेंस्ट टीबी ओके। तापरे इन 1953 ओके देख रहे हो पूरा धाड़ी रे ओके इट वाज गिवन टू क्रेब्स फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ टीसीए साइकिल, फ्रिट्ज लिपमैन फॉर कोएंजाइम ए ओके। नाउ उसके बाद नोबेल प्राइज वाज जॉइंटली अवार्डेड टू फ्रैंकलिन एंडर्स ओके वेलर एंड रॉबिन्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ द एबिलिटी ऑफ पोलियो वायरस टू ग्रो in cultures of various types of tissues and for making polio vaccine okay in loko aapko nobel prize se sammanit kiya gaya। Daniel Bovet developed antihistamines and synthetic curare, you know what is curare। hum log ye wala point delete kar dete hain kyunki ye jehetu directly is topic mein related nahi hai। you know what is curare, curare is a type of but poison derived from your frog Xenopus levis, hai ki nahi। to ye jo hai ye arrow frog ke naam se jana jata hai। to iske jo peeth mein aap agar kuch teer veer ghis ke maro to aadmi mar jayega okay due to hyperactivity of heart। but ye jo curare hai इसको दवाई की तरह से इन्होंने उस यूज करना सिखाया ओके डैनियल बोवे। तापरे ब्रिलियंट एटम्स एक्सपेरिमेंट, तो हियर वी कैन रिजेक्ट इट क्योंकि हमको यहाँ नहीं चाहिए। चलिए तो उसके बाद कॉर्नबर्ग का भी हमको यहाँ नहीं चाहिए। उसके बाद आ जाएगा ये वाला because actually again why I am telling you this because immunology is a very very good topic for KVPI interview section, samajh rahe ho, isliye kyunki isme itne sare nobel prizes hain ki aapko inspire kar sakta hai and aapko plan of action ke liye discuss kar sakta hai, theek hai। chaliye to uske baad aa jaiye medavar jo hai he was awarded to discuss the acquired immunological tolerance, this we can delete okay because iska directly related nahi hai। operon concept ko bhi hum log yahan se delete kar sakte hain। now charles hugens roos peton roos, to inhone disease nikala kaun sa, roos sarcoma okay, to roos sarcoma jo hai wo inhi ke naam se डिस्कवर हुआ ओके सो दैट इज अ टाइप ऑफ कैंसर। तापरे आ जाइए डेलब्रक हर्शे एंड लूरिया, सो दे वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द रेप्लिकेशन
ऑफ व्हाट फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ योर बैक्टीरिया. सदरलैंड ही मेड बायोकेमिकल डिस्कवरीज पर्टिनेंट टू पैथोजेनेसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडलमैन एंड पोर्टर, जेराल्ड एडलमैन एंड रॉडनी पोर्टर. इन्होंने जो जो वाई शेप गामा इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, डिटरमिंड द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, जो हम लोग भी पढ़ेंगे आपका प्लस टू सिलेबस में. दिस इज देयर इन योर सिलेबस. तो पोर्टर्स वर्क इज देयर इन योर सिलेबस. तापरे डिस्टर्ब करता है स्क्रीन. ओके, उसके बाद आ जाइए. नाउ जो इधर से डिलीट कर देते हैं, रोजलिन येलो, वेरी फेमस. ओके, तो रोजलिन येलो का वर्क भी काफी फेमस है. नाउ डेविड बाल्टीमोर कॉमा एंड हावर्ड टेमिन एंड रेनाटो डलबेको. ओके, ये लोग क्या डिस्कवर किए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ओके, तो ये काफी सारा यूज सेंट्रल यस, तो दैट इज योर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. तापर ब्लम्बेक, गैसडुसेक, ये सब क्या डिस्कवर किए थे, प्रायोन्स. देखो ब्लम्बेक, गैसडुसेक डिस्कवर्ड एंटीजन इम्पोर्टेंस इन डायग्नोस्टिक सेरम हेपेटाइटिस. एक्चुअली ये जो गैसडुसेक है ना, इज ऑल्सो इनडायरेक्टली हेल्प स्टैनले प्रूज़नर टू डिस्कवर क्या प्रायोन्स. तापर रोजलिन येलो, ओके कॉमा गिलेमिन एंड एवी शैली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज गुरु इज कॉज्ड बाय एन अनकन्वेंशनल वायरस. ये नाउ कॉल्ड प्रायोन है, इसको आज के डेट पे ये भी प्रायोन के लिए भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है. ओके, नाउ कॉल्ड प्रायोन. तो इन्होंने क्या किया, एक्चुअली दे डेवलप, ओके डेवलप रिया, इसको हम लोग कहते हैं रिया, रेडियो इम्यूनो एसे. ओके टेक्निक. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. तो रिया के बाद हम लोग क्या कर पाए, वी कुड डू अ लॉट ऑफ हार्मोन एनालिसिस. ओके, चलिए उसी तरह से सर, कुरु जो जिसको जो कैनिबलिज्म करते थे उनका होता था ना. हाँ, वो सर रिलेट किया है लोगों ने. तो कुरु, स्क्रैपी, मैड काउ डिजीज, सीजेडी, ये आएगा, अभी आएगा, डोंट वरी. तो 1980s है वो, 1990s के आसपास है वो. तो सुसुमू टोनोगावा डिस्कवर द जेनेटिक बेसिस ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी. तापरे ओके डाइजनहॉफर, ह्यूबर एंड माइकल मिशेल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर. इसको हम हटा सकते हैं यहाँ से. नाउ जे एम बिशप एंड एच ई वार्मस डिस्कवर द सेल्युलर ऑरिजिन ऑफ रेट्रोवायरल ऑन्कोजीन्स. ओके, माने ये जो आपका कैंसर कॉजिंग जीन्स है. तापरे जोसेफ मरे, ओके ई डोनाल्ड थॉमस, इन्होंने क्या डिस्कवर किया, एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गन एंड सेल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीजेस. तापरे 1993 माइकल स्मिथ डेवलप ए टेक्निक फॉर जनरेटिंग साइट स्पेसिफिक म्यूटेंट्स, ये हम डिलीट कर सकते हैं. कैरी म्यूलिस पीसीआर टेक्निक को डिस्कवर किए थे. तो द पीसीआर टेक्निक वाज अ ब्रेक थ्रू, ये हमको मालूम है, फॉर दिस ही वन इन केमिस्ट्री एक्चुअली. तो ये याद रखना, ये मेडिसिन फिजियोलॉजी वाला नहीं है, ये केमिस्ट्री में उनको नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि हम लोग उनका भी छीन लेते हैं. ठीक है, चलिए उसके बाद डोहर, आपका जो पीटर डोहर्टी, जिंकर नागेल डिस्कवर्ड हाउ द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जैसे टी सेल्स है,
ये लोग सब कैसे उसको ढूंढ के निकालते हैं वो आया था। अब आ गया स्टैनले प्रिजनर डिस्कवर्ड एंड कैरेक्टराइज्ड प्रायंस ओके एज ए न्यू बायोलॉजिकली इन्फेक्शियस एजेंट कंटेनिंग ओनली प्रोटीन एंड नो न्यूक्लिक एसिड ठीक है। तापरे पड़े आसला लेलैंड हार्टवेल पॉल ओके लेलैंड हार्टवेल पॉल नर्स एंड टिम हंट आइडेंटिफाइड की मॉलिक्यूलर स्टेप्स इन सेल साइकिल यूजिंग इसको भी हम छोड़ सकते हैं ये सेल डिवीजन का है बेसिकली पर सिंस सेल इन्वॉल्व है वो लोग सब इधर लिख दिए हैं और क्या। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है बैरी मार्शल का ओके सो बैरी मार्शल एंड रॉबिन वैरेन वर गिवन नोबेल प्राइज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड इट्स रोल इन गैस्ट्राइटिस एंड पेप्सिक अल्सर डिजीज ठीक है सी। तापरे 2008 नोबेल प्राइज वाज शेयर्ड बिटवीन हराल्ड हॉसन फॉर हिज डिस्कवरी दैट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कल आप लोग बोल रहे थे कैन कॉज सर्वाइकल कैंसर एंड फ्रैंकोय बारसिनोसी एंड लू मॉन्टेनियर फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ एचआईवी यू नो तो लू मॉन्टेनियर ही टोल्ड एक्चुअली दैट इन इंटरव्यू दैट दिस कोरोना वायरस इज ए डिजाइंड वायरस समझ रहे हो एंड हम लोग सब उनसे ज्यादा जान गए। तापरे 2011 ब्रूस ए ब्यूटलर ओके ए ब्रूस तापरे जूल्स ए हॉफमैन ओके ब्यूटलर ए हॉफमैन एंड राल्फ स्टाइनमैन डिस्कवरीज कंसर्निंग द एक्टिवेशन ऑफ इनेट इम्यूनिटी डिस्कवर द रोल ऑफ डेंड्राइटिक सेल्स इन एडेप्टिव इम्यूनिटी ठीक है। तो ये सारे के सारे नोबेल प्राइजेस हैं जो हम लोगों ने आज देख लिया तो उसमें से ये वाला जो है वो केमिस्ट्री वाला है उसको हम अलग से हाईलाइट कर देंगे दैट इज कैरी म्यूलिस। सो ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री बाकी सारे मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी ठीक है कैरी म्यूलिस एंड पीसीआर ठीक है जी। एंड ये जो मैंने ये लिस्ट दिया है ना इसमें से एक क्वेश्चन गारंटेड पीएमटी में होगा ओके गति कृष्ण जजेस डज नथिंग विदाउट एनी पर्पस। चलिए सो नाउ अब हम लोग चलते हैं आगे तो दिस वाज सम स्टोरी अबाउट द नोबेल प्राइज इन दिस फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड सो टुडे वी विल एक्चुअली गो इनटू वन ऑफ द डिजीजेस है कि नहीं तो वन ऑफ द डिजीजेस में हम लोग डिटेल में जाना शुरू करेंगे दैट इज जो आपका फर्स्ट डिजीज दिया है एनसीईआरटी में कौन सा डिजीज दिया है बताइए। फर्स्ट डिजीज इज टाइफाइड है कि नहीं तो टाइफाइड जो है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे ओके सो नाउ वी विल टॉक बेसिकली अबाउट टाइफाइड। नाउ यू नो दैट टाइफाइड इज ए विच डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है कि नहीं तो बेसिकली टाइफाइड इज ए बैक्टीरियल डिजीज तो हम लोग उस पर लिखना शुरू करते हैं प्लस आज आम गोटे बढ़िया साइकिल पढ़वा दैट इज द मलेरिया साइकिल है कि नहीं एनसीईआरटी स्टाइल। Now, the typhoid is actually a bacterial infection that can lead to a high fever, diarrhea, and vomiting. Okay, it can be fatal. माने ये मार सकता है. It is caused by the bacteria Salmonella typhi. समझ रहे हो? Now, the infection is often passed on through contaminated food and drinking water. And it is more prevalent in places where hand washing is less frequent. Actually, क्या होता है अगर आप लोग properly हाथ वाथ धोते नहीं है तो there is a chance that you what produce this disease and symptoms. है कि नहीं?
तो ये डिजीज एंड सिम्टम्स आने का ज्यादा चांस है। इसलिए आपको पहले ही बता दिया गया है इवन ड्यूरिंग कोरोना दैट कीप वॉशिंग योर हैंड्स। ठीक है नाउ हाँ बोलो सर, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, क्या आप फिर से बोल सकते हैं टाइफाइड किसके अंडर आता है? क्या टाइप मतलब आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो आप खुद से देखेंगे वीडियो। ओके चलिए सो आ गया समझ। नाउ अब ये जो टाइफाइड है ये एक बहुत सिंपली ट्रांसफ्यूजन डिजीज है। इसका मतलब क्या है, अगर आप अफेक्टेड के साथ खाना पीना शेयर करते हैं, ए लॉट ऑफ यू डू दैट, यू बाई वन प्लेट ऑफ मोमो एंड शेयर इट विद अदर्स, तो इस केस में क्या होता है कि देयर मे बी ए कॉन्टैक्ट। कैसे होगा बोलो तो, भाई आप तो किसी का मुंह से मोमो छीन के नहीं खाते ना, फिर भी मोमो कैसे से आपको कैसे हो सकता है बताइए? हाथ दूसरों का लगा होगा। हाथ से तो हाथ हम थोड़ी मुंह के अंदर डालते हैं, और वो ये सोचिए किसी का झूठा खाना खाना, झूठा तो आप कैसे खा रहे हो, मैंने चटनी पे हम लगा के खाते हैं। यस 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 एक्चुअली हम लोग क्या कि एक प्लेट मोमो लाए एंड चार दोस्त बांट के खा रहे हैं। तो अब जब आप पहली बार मोमो उठाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको पूरा का पूरा थोड़ी निगल लेते हो, आप आधा चबाते हो फिर निकालते हो फिर सॉस में लगाते हो फिर उसको खाते हो। तो अगर आप में से किसी को ये सिम्टम्स है तो क्या होगा, तो ये आपका तो दिस कैन बी ट्रांसमिटेड, अंडरस्टूड? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए इवन जो आपका जो टाइफाइड मैरी का स्टोरी दिया हुआ है, तो टाइफाइड मैरी में क्या हुआ कि वो जो है वो एक कुक थी, हम पढ़ेंगे उसका स्टोरी भी, तो शी वाज बेसिकली अ कुक, तो शी गेव दैट डिजीज टू सो मेनी। चलिए ना इसलिए इसमें हम क्या, तो थोड़ा सा हिस्ट्री लिखेंगे इसका। ओके हिस्टोरी। नाउ एक्चुअली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ए टाइफाइड आउटब्रेक इन अ लोकल विलेज इन 1838 इंग्लिश डॉक्टर विलियम बट रियलाइज द पॉइजन इन्वॉल्व इन इंफेक्शियस डिजीज मल्टीप्लाइड इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ द सिक, okay, were present in the excretions and could be transmitted to healthy through a consumption of contaminated water. तो गांव गौरी से कौन हुए, हम लोग नदी से पानी पीते हैं, है कि नहीं? अब वही नदी में थोड़ा आगे गौती छंच रहा है तो क्या होगा, there may be infections there. वो अंबर है, समझ रहे हो? तो हजार बेबी सो इन केस ऑफ, अब सामने है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो विलियम बर्ड ने बोला कि जो आपका इंफेक्शन है वो स्प्रेड कर सकता है, ठीक है, सो दैट कैन स्प्रेड। तो इसीलिए उसके बाद से लोगों ने, भाई देखो हम लोग का चटनी शेयर कर रहे थे तो हो गया, बट हम थोड़ी किसी का दुख खाते हैं, तो इसीलिए पीपल आर नॉट अवेयर। किंतु आप स्लम्स में बस्तियों में क्या देखोगे, जहां वो लोग टट्टी करते हैं वहीं आसपास क्या हो रहा है, वहीं आसपास आपका वाटर सोर्स भी होगा, स्पेशली नदी कैनाल। ओके तो स्पेशली नदी हो गया कैनाल हो गया, तो ये सब जगहों में क्या होगा, आपका ट्रांसमिशन हो सकता है। अंडरस्टूड? तो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। हाँ तो मैं, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री इन केस ऑफ टाइफाइड। तो उन्होंने बोला कि जो इंटेस्टाइन में सिंस दीज आर अफेक्टेड it can be transmitted from a healthy to a from an affected to healthy, ठीक है? Now he proposed
स्ट्रिक्ट आइसोलेशन एंड क्वारंटीन एज ए मेथड, देख रहे हो जो क्वारंटीन का कंसेप्ट है जो कोरोना में भी हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको किसने शुरू किया था? विलियम बड, पता था आपको? अब सोचिए। नो सर। ताले नो सर। आप नोबेल प्राइज पढ़ने का और हिस्ट्री पढ़ने का मतलब है कि नहीं? चलिए, सो एक्चुअली ही वाज द मैन हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ क्वारंटीन व्हिच वी आर स्टिल यूजिंग इन कोरोना। एंड लोग इन ओडिशा व्हाट दे डिड यू नो, ये क्वारंटीन सेंटर में ये लोग क्या किए, दो तीन दिन पैरासिटामोल भरपेट खिलाए एंड फिर टेम्परेचर कम हो गया तो छोड़ दिए। अब क्या हुआ, इस तरह का जो बदमाशी किए, अब गांव गांव में जहर निकल रहा है, ओके, गली गली में लोग अफेक्ट हो रहे हैं। बिकॉज मोदी टोल्ड वेरी क्रिटिकली दैट प्रिवेंट द विलेजेस, बट लोगों ने सुना नहीं। अब गांव में एक बार बीमारी चले गया तो गांव में कितना बड़ा बड़ा कुटुंब है, जैसे गौती है, उनका ज्वाइंट फैमिली है, तो इसी तरह से गांव में ज्वाइंट फैमिलीज होते हैं, तो अगर कोई भी किधर से भी डिजीज लाया तो इट विल बी इजीली स्प्रेड इन द टोटल फैमिली। प्लस गांव में इंटर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा होता है, आना जाना बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए एक घर का बंदा एक घर में रहेगा नहीं, प्लस वो लोग बदतमीज एंड मूर्ख होते हैं, तो इसलिए वो लोग आइसोलेशन का मतलब भी नहीं समझेंगे। तो सोच रहे हो, तो यही क्वारंटीन बर्ड का जो स्टेटमेंट का बेइज्जती किया लोगों ने, इसलिए अभी ओडिशा में बुरा हाल है। फाइन, चलिए, द मेडिकल एंड साइंटिफिक कम्युनिटीज डिड नॉट आइडेंटिफाई द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंफेक्शियस डिजीज अंटिल द वर्क ऑफ कॉक एंड लुई पाश्चर। ये तो हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके थे। नाउ In 1880, okay, in 1880, क्या हुआ? Carl Joseph Ebert described a bacillus that he suspected was the cause of typhoid. ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसा bacillus ढूंढ के निकाला जो आपका typhoid कर सकता था, okay? उसी को सपोर्ट किया 1884 ने, ओके। इन 1884 पैथोलॉजिस्ट, ओके, गैफकी कंफर्म्ड इबर्ट्स फाइंडिंग। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो सही बोल रहे हैं, ओके। एंड द ऑर्गेनिज्म उस वाज लेटर नेम अकॉर्डिंग टू हिम, ओके। तो जो ऑर्गेनिज्म है, ओके, एंड द ऑर्गेनिज्म वाज गिवन नेम्स सच एज इबर्ट्स बैसिलस, इबर्था टाइप, इबर्थेला टाइपी, गैफकी इबर्थ बैसिलस। टुडे द बैसिलस दैट कॉजेस टाइफाइड फीवर गोज बाय द साइंटिफिक नेम साल्मोनेला एंटेरिका, एंटेरिका सरोवर टाइफी। तो ये आज का नाम है, अंडरस्टूड, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। तो हम लोग जो साल्मोनेला टाइफी बोलते हैं, अब आप ढूंढोगे नेट में तो नहीं मिलता है, तो अब नाम चेंज हो गया है, ओके। तो आप अभी भी एनसीईआरटी के लिए मारेंगे साल्मोनेला टाइफी, बट ये और डिटेल आ गया, साल्मोनेला एंटेरिका एंटेरिका, ओके, एंड सरोवर टाइप। सो ये उसका नाम है। तो हु डिस्कवर्ड दी साल्मोनेला टाइफी? पैथोलॉजिस्ट गैफकी एंड इबर्ट, ओके, इन दोनों ने मिलके उसके डिस्कवरी में योगदान दिया। नाउ उसके बाद वैक्सीन जो है उसका स्टोरी क्या है? तो जो ब्रिटिश बैक्टेरियोलॉजिस्ट है, ओके, एडवर्ड राइट, ओके, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश बैक्टेरियोलॉजिस्ट अल्मरथ एडवर्ड राइट फर्स्ट डेवलप्ड एन इफेक्टिव टाइफाइड वैक्सीन एट द आर्मी मेडिकल स्कूल इन हैम्पशायर। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1896 एंड यूज्ड सक्सेसफुली बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द बोर वॉर इन साउथ अफ्रीका।
ठीक है, तो उन्होंने उसको सक्सेसफुली यूज किया एट दैट टाइम। ओके, तो उस समय क्या हुआ, एट दैट टाइम टाइफाइड ऑफन किल्ड मोर सोल्जर्स एट वार देन वर लॉस्ट ड्यू टू एनिमी कॉम्बैट। समझ रहे हो कि नहीं, माने ये सब इतना डेंजरस थिंग है, मीन्स जो डिजीज से कम लोग मरते थे, क्या ज्यादा लोग मरते थे, युद्ध से कम लोग मरते थे। फॉर एग्जाम्पल वहां क्या होता था, कोई इंजर्ड हो जाता था तो, प्लस वार में क्या होता है, खाना पीना का तो कोई कंसेप्ट नहीं होता है, छुप छुपा के खाते हैं, लैट्रिन का और सफाई उफाई का कोई केयर नहीं लिया जाता। तो उस सेंस में क्या हुआ, तो जब टाइफाइड स्प्रेड कर गया तो देखा उन लोगों ने कि टाइफाइड से ज्यादा मर गए बट युद्ध से कम मरे। राइट फर्दर डेवलप्ड हिज वैक्सीन एट ए न्यूली ओपन रिसर्च डिपार्टमेंट एट सेंट मैरीज हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्कूल इन लंडन फ्रॉम 1902, है कि नहीं, वेयर ही एस्टैब्लिश्ड एक मॉडर्न कंसेप्ट उन्होंने डिस्कवर किया, वेयर he established a method for measuring protective substances opsonins in human blood. So opsonin ek type of antibody hai, to usko aapka measure karne ka technique unhone nikali, theek hai, right ne. Tapare citing the example of second war, uske baad kya hua, wo log iske upar advanced research karna शुरू किए इन 1909। ओके, सो इन 1909 फ्रेडरिक रसल अ यूएस आर्मी फिजिशियन अडॉप्टेड राइट्स टाइफाइड वैक्सीन फॉर यूज विद द आर्मी एंड टू इयर्स लेटर हिज वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिकेम द फर्स्ट इन विच एन एंटायर आर्मी वाज इम्यूनाइज्ड। ठीक है, इट एलिमिनेटेड टाइफाइड as a significant cause of morbidity and mortality in the US military. तो ये जो टाइफाइड वैक्सीन उन्होंने यूज करके बहुत हद तक अपना जो US आर्मी में इस चीज को कम कर दिया। तापर एक क्लोरिनेशन कंसेप्ट शुरू हुआ, मीन्स जैसे आप लोग कहीं रहते हो जहां कॉन्टेमिनेशन का सोर्सेस ज्यादा है, तो वॉट कैन बी डन, यू कैन यूज क्लोरीन, है कि नहीं, तो क्लोरीन वाटर में यूज करोगे तो वो क्लीन कर देता है। ओके, तो सिमिलरली, सो नाउ वी विल डिस्कस वन ऑफ ब्यूटीफुल स्टोरीज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट योर टाइफाइड आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, द मोस्ट नोटोरियस कैरियर ऑफ टाइफाइड फीवर बट बाय नो मींस द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वाज मैरी मैलोन, नोन एज टाइफाइड मैरी। In 1907, she became the first carrier in the US to be identified and traced. She was a cook in New York who was associated with 53 cases and 3 deaths. है कि नहीं? तो उन्होंने भी क्वारंटीन का रूल तोड़ा था। एक्चुअली जब उनको बोला गया था कि आप आइसोलेशन में रहिए, वो आइसोलेशन में ना रह के वो अपना खाना वाना बना के लोगों को खिला रही थी। और जिस जिस को उन्होंने खाना खिलाया वो एंजॉय किए, है कि नहीं, एंड सो ठीक है जी। नाउ तो हाउ डज इट गेट इट्स नेम, सो अनदर रेड पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइफाइड इज द डिजीज हैज बीन रेफर्ड टू बाय वेरियस नेम्स ऑफन एसोसिएटेड विद द सिम्टम्स लाइक गैस्ट्रिक फीवर, enteric fever, abdominal typhus, infantile remittent fever, slow fever, nervous fever and pathogenic fever. तो अलग अलग नाम से इसको बुलाया गया। ओके, ड्रेन फीवर, क्योंकि ड्रेन से आता है, एंड लो फीवर। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स जिससे कि इसको बुलाया गया। ठीक है, सो ये अनदर रेड पॉइंट है हमारा। बहुत सारे फेमस लोग हैं इस दुनिया में हु आर, जैसे अभी कोरोना में भी हम लोग गिन रहे हैं कि नहीं, पीपल, फेमस पीपल अफेक्टेड विद कोरोना लाइक अमिताभ बच्चन,
एंड सो ऑन. तो इसलिए अ लॉट ऑफ पीपल, इवन योर हाशिमोटो सिंड्रोम याद है? यस सर.